हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम बीपीएससी में पूछे गए मैथ्स एवं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लगभग हर बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 10 नंबर्स की बात है, क्योंकि बीपीएससी में देखते हैं कट ऑफ हाई जाते हैं, तो पाँच से लेकर 10 क्वेश्चन का मैनेज होता है कि 10 क्वेश्चन के लिए आपको 5 क्वेश्चन के रिजल्ट नहीं होगा, 2 क्वेश्चन के रिजल्ट नहीं होगा। तो मैथ्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो 66 बीपीएससी में पूछा गया है मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से जो क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके पिछले साल यानी 65th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम अभी तक जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, और ऐसे नहीं सभी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन टाइम मैनेज रखता है कि टाइम कितना लगता है। तो क्वेश्चन सोल्व भी करना है और मिनिमम टाइम में भी करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए टाइम मैनेज बहुत डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि 66 बीपीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे पास यह केवीसी नैनो का बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है और इसी से हम सोल्व कराएंगे आपको जितना भी क्वेश्चन मैथ के अभी तक पूछे गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर बीपीएससी में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ और रीजनिंग से, तो यही पैटर्न रहता है हर बार बीपीएससी का कि 10 क्वेश्चन आपको इसी में कुछ रीजनिंग रहेंगे और इसी में कुछ मैथ से क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन फिक्स है, आपको आना ही है। तो इस बार भी जो 67th बीपीएससी होंगे और उसमें भी 10 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, तो आपको यह 10 नंबर दिलाएगा बीपीएससी एग्जाम में। तो देखते हैं इसमें हम, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? यानी आपको दिया है कि मोहन एक कार्य को 25 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोनों एक साथ 5 दिन के लिए काम किया और इसके बाद आपको मोहन कार्य छोड़ देता है, तो बाकी जो काम बचा वह सोहन कितने दिन में करेंगे? ऐसे हम यह क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है बहुत लेंदी है, लेकिन इतना समय है वाले क्वेश्चन है नहीं। उसको देखिए, यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें दिया है कि मोहन कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में, और सोहन इसी को करते हैं 20 दिनों में। तो क्या कह रहा है, दोनों मिलकर करते हैं 5 दिन, तो करेंगे कि देखो 25 दिन में पूरा काम करता है, तो एक भाग काज कितने दिन में करें, 1/25 प्लस 1/20, यह हो गया दोनों के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य। तो एक साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप चाहे इसको सीधे मल्टीप्लाई करके हम भिन्न जोड़ कर सकते हैं, या सीधे आपको इसको भिन्न जोड़ कर दो फिर मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो उसको भिन्न जोड़ करेंगे तो 20 और 25 का एलसीएम आएंगे 100, 25 का 100, 20 पंचे 100, तो यह आ गया, यह होंगे 5/9/100 × 5, 20 × 100 तो यह आ गया 9/20। यानी दोनों मिलकर 5 दिनों में 9/20 यानी 9/20 इतना भाग कार्य को कर लेता है। तो देखो कि 5 दिन में इतना काम कर लिया, तो बच कितना गया, 1 माइनस कर देंगे शेष कार्य, शेष कार्य कितना रह गया, 1 माइनस कर देंगे 9/20,
यह आ जाएगा इसका एलसीएम जाएगा 20, 20 माइनस 9 यह होगा 11/20 यानी 11/20। तो इतना कार्ज आपको रह गया, इतना कार्ज शेष रह गया। तो शेष कार्ज को कौन करता है? सोहन। तो देखो सोहन पूरा कार्ज को करता है 20 दिनों में, इसीलिए 11/20 दिनों भाग कितने दिन करेगा? तो 20 कर जाएगा 11 दिनों में। कितने दिनों में? 11 दिनों में। इस क्वेश्चन में देखो कि क्या आया आंसर, 11 दिन, यानी आपको बचे हुए कार्ज को सोहन 11 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन इसमें है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत है। देखो बहुत आसान है, क्या कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो पहले हम देखते हैं औसत होता क्या। तो औसत होता है कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यानी औसत दिया क्या है? n स्क्वायर दिया है। हमको संख्याओं का कुल संख्या योग नहीं पता है, इसको आप मान लो क्या है x मान लिए। कुल संख्या दिया है कितना m, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, इसको इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा m n स्क्वायर। यह आ गया पहली संख्या की योग m n स्क्वायर। और अब दिया है कि n संख्याओं का औसत क्या है? m स्क्वायर है। यहाँ क्या लिखेंगे? औसत m स्क्वायर। इसको योग को मान लो y, जैसे यहाँ पर x माने थे इसी तरह से ले लिए क्या कि n संख्याओं का योग क्या है? y है। और यहाँ पर संख्या आएगा क्या होगा? n होगा। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर n m स्क्वायर। बोलो अब हमको आ गया कि n संख्याओं का योगफल कितना आ गया? m n स्क्वायर। और y संख्याओं का योगफल कितना आ गया? n m स्क्वायर। तो हमको उससे पूछ रहा था कि m प्लस n का औसत क्या होगा। तो m प्लस n का औसत होगा दोनों संख्या की योग। तो एक संख्या यह, एक संख्या यह, दोनों को जोड़ दो क्या आएगा? यह आएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बाय m प्लस n, क्योंकि कितने संख्या का औसत है? m प्लस n का। अब यहाँ देखो कॉमन ले लो, ऊपर में यहाँ से कॉमन ले लो m गुने n, m n कॉमन लिए, m n तो चला गया, इसमें से एक n बचा और इसमें से एक m m बचा और अपॉन है m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n कट गया, क्या बचा? यहाँ बचा m इंटू n। तो इसका औसत क्या गया? m इंटू n, यानी ऑप्शन इसमें है c। इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम में बनाते तो हम इतना लिखने के लिए नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं कि n स्क्वायर की संख्या है, m संख्या के औसत क्या है? n स्क्वायर है। तो देखो कैसे बनाते हैं, तो करते हैं m गुने n स्क्वायर प्लस एक संख्या आ गया, दूसरी में है कि n संख्याओं का औसत क्या है? m स्क्वायर। तो लिखते हैं n गुने m स्क्वायर, कुल संख्या कितना है? m प्लस n हो गया। यहाँ देखो कॉमन ले लो, यहाँ से mn, यहाँ से आ गया m प्लस n अपॉन m प्लस n कट गया, क्या आ गया? m इंटू n। तो इतना ही बन गया। ये तो हम समझाने के लिए बताते हैं कि ऐसे बनाएंगे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। अब डायरेक्ट यहाँ देखेंगे इसका संख्या आ गया, यह संख्या आ गया बटे कुल संख्या, देखो कितना में आ गया, यहाँ देखो कितना में आ गया। तो ये समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे बनाने के लिए हम तो इतना भी बना सकते हैं।